नमस्कार, मेरा नाम पप्पू पूर्वे है और आप देख रहे हैं जयनगर लाइव। जयनगर में एमएलसी चुनाव के लिए अंबिका गुलाब यादव ने किया जनसंपर्क अभियान। बिहार में विधान परिषद चुनाव की तैयारी हर जगह जोरों पर है। चुनाव को लेकर पार्टी एवं प्रत्याशियों ने तैयारी शुरू कर दी है। विधान परिषद प्रत्याशियों ने जनसंपर्क अभियान भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में मधुबनी से विधान परिषद के भावी उम्मीदवार अंबिका यादव ने स्थानीय निकाय पदाधिकार चुनाव का प्रचार शुरू कर दिया है। आज इसी कड़ी में मधुबनी जिले के जयनगर में एक निजी विवाह भवन परिसर में भावी प्रत्याशी अंबिका यादव के समर्थन में जिला परिषद अध्यक्ष बिंदु यादव ने अपनी मां अंबिका यादव के समर्थन में जनसंपर्क अभियान किया। जयनगर प्रखंड में मुखिया प्रतिनिधि वीरेंद्र यादव एवं जाप जिला अध्यक्ष सह मुखिया प्रतिनिधि ब्रज किशोर यादव के नेतृत्व में उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर पूर्व प्रमुख सुजनाथ यादव, मुखिया प्रतिनिधि जामुन चौधरी, बेली पछवी पंचायत के मुखिया रामदास हाजरा उप अवध बिहारी आदि दर्जनों लोग भी शामिल थे। देखिए इस खास रिपोर्ट को। उपस्थित सभी वार्ड सदस्यगण, अतिथिगण, वो सभी प्रतिनिधियों को मेरा प्रणाम। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों को सबसे पहले मैं जीत की ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। आप सभी को जीत की ढेर सारी बधाई। आज हम माँ सीता की पावन धरती पर हैं, आप लोग से मुलाकात कर रहे हैं, काफी गौरवशील, काफी प्राउड फील कर रहे हैं कि जयनगर, यहाँ से नेपाल का जो बॉर्डर है, जानकी मंदिर 20 से 25 किलोमीटर के स्तर पर है और ये बहुत ही बड़ा पर्यटन, एक टूरिस्ट प्लेस है और इस पावन धरती पे आज आप लोग से मुलाकात कर रहे हैं, आप लोग समय निकाल के यहाँ आए हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा चेयर जो है, चेयरमैन वाला चेयर, उसके बाद जो पहली भी इंटरव्यू मेरी हुई, लोगों ने काफी सवाल पूछे कि आप राजनीति में क्या कर रहे हैं। मेरा सबसे मेन विजन और मेरा गोल यही था राजनीति में आने का, कि मुझे स्वास्थ्य जो सुधार करना है मधुबनी जिला में, शिक्षा जो सुधार करना है मधुबनी जिला में, यही मकसद से लेके आज आप लोगों के बीच में जनप्रतिनिधियों का सम्मान करने आई हूँ। जो मेरा विजन है वो अकेले नहीं पूरा हो सकता है, आप लोग के साथ से ही पूरा हो सकता है। वार्ड सदस्य गण मैं हमेशा मानती हूँ कि सबसे पहली कड़ी है जनप्रतिनिधियों में, और उनके बाद मुखिया जी से लेके जिला परिषद और फिर जिला परिषद से जिला अध्यक्ष। ये कड़ी एक दूसरे को मजबूत करती है, अगर हमें विकास और डेवलपमेंट का काम करना है तो। स्वास्थ्य को लेके आप देखिएगा, कोरोना काल में स्वास्थ्य को लेके काफी मुश्किल हुई है आम जनताओं में। उप स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था आप देखिएगा उतनी मजबूत नहीं है। ग्रामीण इलाके में जैसे कहते हैं झोला छाप डॉक्टर, उन्हीं लोगों ने काफी जान बचाई है कोरोना काल में। जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं जिला स्तर पर, हम पूरी कोशिश करेंगे आईसीयू बेड, वहाँ पे मेडिकल की जो भी बेसिक इक्विपमेंट हो वो अवेलेबल करना चाहेंगे। जिला स्तर पर काफ़ी सीट वेकेंट है टीचर की, काफ़ी लोग अप्लाई नहीं कर रहे हैं। जहाँ पे बच्चे 100 हैं वहाँ पे एक टीचर है, जहाँ पे बच्चे 20 है वहाँ पे 4 टीचर हैं। तो शिक्षा व्यवस्था भी मजबूत करनी है, जिसमें आप लोग का आशीर्वाद और दुआ हमारे साथ चाहिए तो ही मजबूत कर पाएंगे। यहाँ पे आप देखिएगा इस लोकेशन, जब हम आ रहे थे, देखिए इस लोकेशन की मेन खासियत ऐसी है, जैसे एक वार्ड सदस्य गण ने भी कहा है कि मार्केट एरिया है, यहाँ पे डेवलपमेंट काफ़ी हो सकता है मार्केट का। उससे दो चीज़ होगी, बेरोजगारी भी दूर होगी, काफ़ी लोगों को हम रोजगार भी दे पाएंगे, और मार्केट अगर ग्रो करता है तो ये एरिया भी काफ़ी आपका डेवलप करता है फाइनेंशियली। मार्केट एरिया को लेकर भी एक वार्ड सदस्य गण ने कहा कि वह स्वच्छता घर नहीं है, सामूहिक शौचालय, तो जरूर उस पे ध्यान देके सबसे पहले स्वच्छता सामूहिक शौचालय बनाएंगे। और गंदगी गम जो है, जो नगर निगम से या फिर नगर पार्षद से जो भी हो कचरा का जमावड़ा हो जाता है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी भी ध्यान में रखते हुए एक प्लान बना के उसकी सफाई का योजना निकालेंगे। यहाँ पे मेरा हमेशा से मानना है कि अगर एक प्रतिनिधि नाला बना रहा है तो दूसरा प्रतिनिधि सड़क बनाए, तो ही तालमेल से मजबूती से काम होगा। तो आप लोग से हम जरूर ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि सारे प्रतिनिधि एक दूसरे से तालमेल बना के रखें और फिर विकास का काम करें। जिला परिषद अध्यक्ष की कुर्सी सिर्फ मेरी नहीं है, वो हर एक उस प्रतिनिधि की है जो राजनीति में ये सोच से आया है कि उसको जनता का विकास करना है। तो अध्यक्ष की कुर्सी आप सभी की है। जिला में आप कभी भी किसी भी कारणवश आते हैं,
जिला में सरकारी आवास है, वो आवास आप सभी का है, आप लोग आइए, मान सम्मान और काम में मेरे ओर से आप लोगों को कभी कोई कमी नहीं होगी। अभी मैं अनुरोध करना चाहूंगी कि आप लोगों में से अगर किसी को कुछ कहना है और भी बात, भाषण जो देना था हमारे प्रमुख साथी दे चुका, हमको सिर्फ कहना है अपना भाषा में, जिस लड़ाई को वीरेंद्र यादव ने छेड़ा है जिला अध्यक्ष बन के, जिसका कंधा से कंधा मिला करके बल किशोर यादव चला है, अपना सम्मान के लिए, मुखिया के सम्मान के लिए, वार्ड सदस्य के सम्मान के लिए, तमाम विधि व्यवस्था को ठीक करने के लिए, तो मैं आज बता दूं, क्योंकि वो युवक है इसीलिए हम लोगों ने भार इन लोगों पर दिया कि आप लड़ाई छेड़ो, जो कसौटी होगा जो कमी बेसी होगा। तो मैं इस सभा से कहना चाहता हूं, मैं कोई बड़े लोग नहीं, मैं एक कार्यकर्ता हूं, मंडल को समझिए या प्रदेश तक समझिए, कार्यकर्ता के रूप में चल रहा हूं। अगर किसी कार्यकर्ता ने अगर समाज का ठेकेदारी लिया है, समाज को ठीक करने का काम लिया है, बिचौलियों को ठीक करने का काम लिया है, तो मैं उसको आगे बढ़ाने का काम करूंगा, आगे बढ़ाने का काम करूंगा। ये मेरे दोस्त, चलते रहो, चलते रहो, क्योंकि अगर संघर्ष करना अगर जानते हो तो पद पर टिके रहो, कोई साथ दे न दे। नौजवान हर चीज को बदल सकता है, युवा संचार को बदल सकता है। मैं इस अभिनंदन करते हुए तमाम नौजवानों को यह कहना चाहूंगा, क्योंकि बलकिशोर यादव ने, जो मेरा अनुज है, उन्होंने कह दिया है कि अधिकार को हनन हो रहा है, तो अधिकार को हनन हो रहा है, चाहे वो जोन भी पदाधिकारी हो, जोन भी भ्रष्टाचारी हो। अगर आपका संगठन, मैं बता देता हूं बलकिशोर बाबू की, ऐसे अगर आपका बना रहा तो किसी का व्यवस्था को चलने वाला नहीं है। हम दावा के साथ कह जाने, हम प्रमुख नहीं या कोई अफसर डरे ही लेने, तो ना हम ही लेने देवे, और सबके काम वहां के जय जय हो। हम विशेष की कहो, तेज बार हमारा सब आशा है, यहाँ सब पर आ सब हिंदा जीतेवे, तो हम दावा के साथ कहे हम बैठ नहीं जाए, हम जनगिरी में रहो, फिर अफसर के ही लत तो फिर हमारा कहो कि फिर बोला ही जना ही हिलौने नहीं हम, तो ना हम हिला दे। जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बड़ा शुभ दिन है आज, और ऐतिहासिक दिन भी है। मैं पूरे तौर से कहना चाहता हूं कि ऐतिहासिक रूप से आप किसी, मैंने कई बार चुनाव जीतने का काम किया है, लेकिन ऐसा कभी भी इतिहास में नहीं हुआ कि चेयरमैन चल के आवे और वार्ड सदस्य का अभिनंदन करे। इसीलिए आप तमाम लोगों से मेरा एक निवेदन है, एक आग्रह है कि जात वर्ग धर्म और संप्रदाय से आपको उठना होगा। अगर अपनी मान और सम्मान के लिए अगर आगे बढ़ना चाहते हो तो आपको अंबिका गुलाब के बारे में सोचना होगा। आप अभी आपके सम्मानित पूर्व उपाध्यक्ष महोदय ने कहा कि आपने पहली जीत को निश्चित रूप से जिला में एक इतिहास रचने का काम किया है। इतने बड़े वोटों के अंतर से पूरे बिहार में कोई भी चेयरमैन नहीं जीता, इसीलिए आप सबों की आवाज बनकर आपकी जो यह बिंदु गुलाब है, निश्चित रूप से आपकी आवाज को देश और दुनिया में रखेगी। इसीलिए हम चाहते हैं आप तमाम वार्ड सदस्य महोदय से कि आप विचार कीजिए, यहां से जाने के बाद रंग बिरंग की बातें होती रहेगी, आपकी चर्चा जो आज तक आपको पूछने का नहीं काम करते होंगे, लेकिन अब आपको पूछने का भी आज से काम करने का प्रारंभ करेगा। इसीलिए आपको सोचना होगा, आपको समझना होगा कि आपकी प्रतिष्ठा कहां बचेगी। चुनाव तो आते जाते रहेंगे, लेकिन बिंदु गुलाब ने जिस तरह से वार्ड सदस्यों के बीच में आकर आज अपनी कमिटमेंट को रखने का काम किया है, इसीलिए आपको सोचना और समझना है। इतिहास परिवर्तन की धाराओं की ओर बढ़ रहा है। सही कहे वाइस चेयरमैन, पूर्व वाइस चेयरमैन साहब, कि मुखिया के हाथ से चला गया, सारा पावर निहित चला गया, सरकार उसको बंद करते जा रहा है, वार्ड सदस्य के अधिकार को छीनने के लिए आगे
आ रही है सरकार, निश्चित रूप से आपको सोचना और समझना होगा कि आपकी बात को कौन रखेगा, आप कहां जाएंगे। आप अगर जिला में जाते हैं आपको कोई सुनने वाला नहीं है, लेकिन हम आप लोगों के बीच में हम भी आपसे वादा करते हैं कि आपके मान और सम्मान के लिए हम लोगों को जब कभी भी जिला अध्यक्ष के दरवाजे को खटखटाना होगा, हम लोग 12 बजे दिन और 12 बजे रात में खटखटाने का काम करेंगे। इसीलिए वार्ड सदस्य महोदय, यह किसी मुखिया की लड़ाई नहीं है, यह लड़ाई आम आवाम किसान मजदूर का